तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की रची जा रही है साजिश, हुआ है बड़ा खुलासा, बीजेपी में मच गया हड़कंप, आखिरकार कौन है जो मारेगा प्रधानमंत्री मोदी को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन और नेपाल के बाद पाकिस्तान से भी है मोदी सरकार को तगड़ा झटका। देश के जनरल विपिन रावत बोले, अगर चीन से स्थिति होती है खराब तो उत्तरी सीमा पर भारत की पाकिस्तान कर लेगा कब्जा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में किसानों की खुदकुशी को लेकर ओवैसी ने मीडिया पर बोला जबरदस्त हमला। ओवैसी बोले कि देश की मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चाटती है तलवे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फेसबुक ने की बीजेपी पर बड़ी कार्रवाई, भाजपा विधायक टी राजा सिंह को फेसबुक ने किया बैन, कहा यही फैलाते थे फेसबुक पर नफरत। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीछे हटने को तैयार नहीं चीन, चाइनीज ऐप बैन करने के बाद चीन ने कहा कि भारत को चीन से पंगा लेकर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और भारत अपनी गलती सुधारे नहीं तो इसके लिए तैयार रहे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आर्थिक तबाही और गिरती जीडीपी को लेकर कांग्रेस ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग, कहा नहीं चल रही है देश की अर्थव्यवस्था और सीमाएं भी नहीं है सुरक्षित, देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दें अपने पद से इस्तीफा, तो कांग्रेस ने ये बड़ी मांग कर दी है। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान ने अपनी नौकरी बहाल करने की योगी सरकार से की मांग, वहीं डॉक्टर कफील खान उत्तर प्रदेश छोड़ चले गए हैं राजस्थान, कहा उत्तर प्रदेश में है उन्हें अब भी खतरा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर मुंबई हाई कोर्ट से मीडिया को लगा तगड़ा झटका, पिता के सिंह का बड़ा बयान, कहा उदासी की वजह से सुशांत ने की होगी आत्महत्या, जबकि गोदी मीडिया बता रही है मर्डर। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे एक एक करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की रची जा रही है साजिश, हुआ है बड़ा खुलासा। जय दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की भी बड़ी साजिश देश में रची जा रही है और इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथ कुछ धमकी भरे ऐसे मेल लगे हैं जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। ईमेल के कंटेंट की जांच की जा रही है कि किस व्यक्ति ने ये मेल भेजे हैं और कौन प्रधानमंत्री मोदी को मारना चाहता है। इस मामले के सामने आने के बाद मोदी सरकार के एसबी सुरक्षा को भी सूचित कर दिया गया है। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब मोदी के प्रति नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और हथियारों को उसकाया जा रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात हो या फिर देश में उठती आवाज। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर क्यों, तो चीन और नेपाल के बाद पाकिस्तान से भी मोदी सरकार को लग सकता है तगड़ा झटका। देश की मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कोई भी हरकत की तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है और स्थिति इतनी गंभीरपूर्ण हो गई है कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल तीनों ही देश भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, चाहे वह कल नेपाल ने भारत के खिलाफ सेना तैनात की हो या फिर चीन ने भारत के कई क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश की हो। अब इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच अगर स्थिति तनावपूर्ण बनती है और हमले जैसे या युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत को खतरा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उत्तरी सीमा पर पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है और पाकिस्तान उत्तरी सीमा पर लगे भारत के कई गांव और क्षेत्रों पर
कब्जा कर सकता है और इसी की आशंका भारत के चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को जताई है। उनने कहा कि अगर चीन से स्थिति खराब होती है तो पाकिस्तान हमारे उत्तरी सीमा पर लगे गांव पर कब्जा कर सकता है और इसका फायदा उठा सकता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी अब पाकिस्तान से भी भारत को काफी बड़ा खतरा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश के किसानों की खुदकुशी पर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया पर बोला जबरदस्त हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी के तलवे चाटती है देश की मीडिया। जय दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों और मजदूरों की खुदकुशी को लेकर एक बार फिर से देश की मीडिया पर जबरदस्त हमला बोला है और हमला बोलते हुए देश की मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी के तलवे चाटने वाली बताया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि रात 9 बजे वाले राष्ट्रवादी मीडिया के दलाल देश के गरीब लोगों की खुदकुशी को मजबूर होने पर सो नहीं करेंगे। इस मामले पर कोई जांच भी नहीं होगी, पीड़ितों के परिवार से कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा, कोई ड्रामा भी नहीं होगा, PMO से तो कभी सवाल होगा ही नहीं। आगे उन्होंने कहा कि आज लाखों भारतीय दर्द में हैं और ये उनका हक है कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन देश की मीडिया तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ही तलवे चाटेगी, मोदी जो कहेंगे देश में वही कहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने ये जबरदस्त हमला सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर और देश में किसानों की खुदकुशी को लेकर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो फेसबुक ने की VJP पर बड़ी कार्रवाई, भाजपा विधायक टी राजा सिंह को किया बैन, VJP में मची खलबली। जय दोस्तों आपको बता दें कि हेट स्पीच और VJP से फेसबुक की सांठगांठ को लेकर आज BJP पर फेसबुक ने बड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने कार्रवाई करते हुए तेलंगाना से VJP विधायक टी राजा सिंह को फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने के चलते बैन कर दिया है, जिसके बाद BJP में हड़कंप मच गया है। इस मामले में फेसबुक ने जानकारी देते हुए कहा है कि उनकी नीति किसी भी तरह से हिंसा को बढ़ावा देने या हिंसा भड़काने जैसे मंचों पर नफरत फैलाने पर रोक लगाती है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों फेसबुक पर भाजपा के साथ सांठगांठ होने के आरोप लगे थे और कहा था कि फेसबुक जो है BJP विधायकों और BJP नेताओं की हेट स्पीच को अपने कंटेंट से नहीं हटाता जबकि अन्य पार्टियों के हटा देता, तो फेसबुक ने ये जबरदस्त कार्रवाई करते हुए BJP को तगड़ा झटका दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पीछे हटने को तैयार नहीं चीन, चीन ने आज फिर से मोदी सरकार को दे डाली खुली धमकी। चीन ने कहा कि पंगा लेकर भारी कीमत चुकाएगा भारत। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच इन दिनों सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। इस बीच भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया, तो वहीं आज चीन ने भारत को फिर खुली धमकी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने धमकी देते हुए भारत से कहा कि अगर भारत ने चीन के साथ अपना यही रवैया रखा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा मोदी सरकार को भी चीन ने निशाने पर लिया है और कहा है कि भारतीय सेना की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती बहुत ही खर्चीली है और सरकार भारत की ये खर्चा नहीं उठा सकती। वहीं आपको बता दें कि आगे चीन ने कहा है कि हम आर्थिक रूप से भारत को नुकसान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत हमारे ऊपर आर्थिक रूप से रहता है और भारत के बाजार कमजोर हैं और चीन के साथ इस तरह का संघर्ष करेगा तो उसे भारी कीमत इस पर चुकानी होगी। वहीं आपको बता दें कि PUBG सहित 118 चाइनीज ऐप के बैन होने के बाद चीन ने कहा कि भारत अपनी गलती सुधारे नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वायुसेना के प्रमुख चीफ भी पहुंचे हैं और वहां पर सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया है, क्योंकि लगातार चीन इन क्षेत्रों पर ही कब्जा और घुसपैठ की कोशिश कर रहा, तो आज फिर से एक बड़ी धमकी चीन ने दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस ने की बड़ी मांग, गिरती GDP और आर्थिक तबाही के लिए वित्त मंत्री दें इस्तीफा। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने GDP विकास दर में भारी गिरावट और बेरोजगारी को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है
और अमरजीत सिंह की तरफ ढकेलने का आरोप भी लगाया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि इस आर्थिक तबाही के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा है कि मौजूदा हालात में सरकार के भीतर बड़ी राजनीतिक और वित्तीय सर्जरी की जरूरत है। सुरजेवाला ने जीडीपी में गिरावट, बेरोजगारी और राज्य को जीएसटी के बकाए हवाले देते हुए कहा है कि आज देश के अंदर भी चारों तरफ से तबाही से घिरा हुआ है और बाहर देश की सीमाएं भी दुश्मनों से चारों ओर घिरी हुई हैं और दोनों को ही रोकने में मोदी सरकार विफल हुई है। चाहे वह देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी हो या फिर जीडीपी पाताल लोक में गई हो और देश की सीमाएं भी अब सुरक्षित नहीं है और मोदी सरकार देश के लोग को गुलाम बना रही है और इमरजेंसी की ओर ढकेल रही है। वहीं रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस ने मांग की है कि आर्थिक तबाही और गिरती जीडीपी के लिए देश के वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि देश की सीमाएं चारों तरफ से सुरक्षित नहीं है। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस ने आज किया है बीजेपी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान ने कहा कि योगी सरकार अब उनकी सेवा करे बहाल, दे उन्हें उनकी वापस नौकरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रिहा किए गए डॉक्टर कफील खान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह चिकित्सा के रूप में अपनी सेवाओं को बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर आरोप लगाए थे वो हाईकोर्ट ने खारिज कर लिए हैं और वह बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब मैं मांग करता हूँ जो मेरी सरकारी नौकरी VRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में लगी हुई थी, अब सरकार मेरी नौकरी मुझे वापस करे और मेरी सेवाओं को बहाल करें। वहीं आपको बताने कि डॉक्टर कफील खान इतने डर गए कि वह उत्तर प्रदेश छोड़कर जयपुर आ गए हैं और उनका कहना है और उनके परिवार का मानना है कि वे यहां पर अधिक सुरक्षित हैं। वहीं खान के परिवार ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मेरा परिवार मानता है कि कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में है वहां पर हम और मुसलमान सुरक्षित रहते हैं और इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है और इस समय वह जयपुर पहुंच गए हैं और योगी सरकार से मांग की है कि वह उनकी नौकरी को बहाल करे और नौकरी वापस दे। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने मीडिया को लगाई फटकार। वहीं पिता का आया बड़ा बयान, कहा उदासी की वजह से सुशांत ने की होगी आत्महत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस जो है सुर्खियों में है और हर वक्त यही केस मीडिया चला रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि गोदी मीडिया CBI जांच होने के बावजूद भी अपनी तरफ से कहती है कि इसका मर्डर किया गया था और इसे जानबूझकर मौत के लिए उकसाया गया था। वहीं इसी बीच उनके पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उनके पिता ने बताया है कि मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे ने आत्महत्या क्यों की, उसने किसी प्रकार के तनाव या डिप्रेशन के बारे में मुझसे अभी तक चर्चा नहीं की। मुझे सुशांत की मौत को लेकर किसी से शिकायत नहीं है, ना ही संदेह है। मुझे लगता है सुशांत ने उदासी या निराशा की वजह से आत्महत्या की होगी। यानी पिता ने साफ कह दिया कि सुशांत ने खुद ही आत्महत्या की है, लेकिन गोदी मीडिया देश में पता नहीं क्या क्या सुशांत के बारे में चला रही है। वहीं मुंबई हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मीडिया को फटकार लगाई। वहीं सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि हम मीडिया से आग्रह करते हैं कि वह मौत के संबंध में जांच की रिपोर्ट आने तक संयम बरते, इसके बाद ही कोई भी न्यूज चलाए, क्योंकि जिस तरह की न्यूज चलाई जा रही है वो भ्रामक हैं और उससे अन्य लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कड़ी कार्रवाई मुंबई हाईकोर्ट ने भी मीडिया पर की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, दिल्ली में रेलवे की जमीन से हटेंगी 48 अवैध झुग्गियां। इस मामले में राजनेता भी ना दे दखल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में रेलवे सेफ्टी जोन में 140 किलोमीटर के दायरे में बनी झुग्गियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में
कोई भी दखल अंदाजी राजनेताओं की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गियों को हटाने के साथ एमसीडी और रेलवे को ट्रैक के किनारे मिलने वाले प्लास्टिक बैग और कूड़े को भी हटाने के दिल्ली सरकार को आदेश दे दिए, जिसके बाद इन गरीबों का अब क्या होगा ये मोदी सरकार और फिर केजरीवाल सरकार को सोचना होगा।